काम के दिन भारी संख्या में वोटिंग करें। धन्यवाद। आ जाओ। कल जो है कुछ एक एरियाज में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और दूसरी कोई डिफिकल्टीज इसमें नहीं आ रही है। सिर्फ इतना ही रहेगा कि जितना कन्वीनियंस वोटर्स के लिए है उतने ही कन्वीनियंटली मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि वो अपने घरों से निकल करके उनके ही मोहल्लों में, मैक्सिमम अर्बनाइज्ड एरियाज है, हर एक मोहल्ले में हमने पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया है। आपके नज़दीक के जो मोहल्लों में जो पोलिंग स्टेशन है आपके लिए हमने बड़ा मेहनत करके एस्टेब्लिश किया है, वहाँ जा कर के आप अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए खास डेफिनेटली जो है आप फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं, सिर्फ वोटर बनने के लिए वोटर नहीं बने, ईपी कार्ड के लिए वोटर नहीं बने या वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए वोटर नहीं बने, जरूर आप जो है वोट कास्ट करने के लिए वोटर बने हैं। तो वोट कास्ट करने का कल दिन है। आप सबको मेरी अपील है, खास करके उन तमाम फर्स्ट टाइम वोटर्स को जिनकी उम्र 18 से 20-22 के बीच में हो सकती है, उन सबको कि वो आप अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, हमने हर एक पोलिंग स्टेशंस पर आपका एक्सपीरियंस बेटर रहे उस प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया। सुरक्षा की कैसे इंतजाम करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि टारगेट किलिंग हुई है रजौरी, उसके बाद से इस एरिया में जो है सुरक्षा की कोई उतनी डिफिकल्टीज नहीं है जो दूसरे एरियाज जहाँ आपका जिक्र किया है, उस एरियाज में डेफिनेटली चैलेंजेस है, उसको हम देखेंगे। और एक चीज बताइए कि जैसे कि वुमेन वोटर्स का काफी ज्यादा तादाद है, उनके लिए कोई खास इंतजाम? तकरीबन 10 के करीब पोलिंग स्टेशन हमने कल पूरे 4 जिलों में ऑल वुमेन मैंड रखे हैं, जिसमें हर कोई चाहे पोलिंग पार्टी है, सिक्योरिटी पर्सनल है, वुमेन रहने वाला है। तो वुमेन जो है हर कोई काम करती आ रही है, इंक्लूडिंग इलेक्शन कंडक्ट करने जैसी क्रिटिकल एक्टिविटीज भी वो कर सकती है, उससे जरिए से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन पोलिंग स्टेशंस के जरिए से उन तमाम 50% जो आबादी हमारी वुमेन्स की है उनको एक मैसेज देने का हमारा प्रयास है कि अगर वुमेन इलेक्शन कंडक्ट करवा सकती है तो वोट तो जरूर कास्ट कर सकती है, वो उतना कोई मुश्किल नहीं है। साथ में हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने वुमेन्स के लिए सेपरेट टॉयलेट रखा है, सेपरेट क्यू रखी है। इवन कोई इलेक्टिंग मदर आती है छोटा बच्चे के साथ अगर आती है तो उसको हम स्पेशल विदाउट एनी क्यू जल्दी से जल्दी वोट कास्ट करने की सुविधा दे देंगे ताकि वो अपने घर पर जल्दी जा सके। एक आखिरी सवाल, पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था 70% के करीब यहाँ पे पोलिंग हुई थी, इस बार आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से आप साथ दिख रहे हो? डेफिनेटली आपने जो परसेंटेज बताया वो जरूर क्रॉस हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि उत्साह लोगों में काफ़ी है, अर्बनाइज्ड एरिया है, उतने डिफिकल्टीज नहीं है और जो फर्स्ट टाइमर्स वोटर्स है उनमें भी काफ़ी मैं उत्साह देखता हूँ, वुमेन्स में भी काफ़ी उत्साह है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट्स उन्होंने भी जो है जो कैंपेनिंग के पीरियड्स थे हर एक नुक एंड कॉर्नर में जाकर के लोगों को एक्टिवेट किया है, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स और जो उनका जो अमला रहता है उसको भी एक्टिवेटेड है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो आपने वोटिंग परसेंटेज बताया उसको हम क्रॉस करेंगे।
गुलिस्तान पे एक्सक्लूसिव विजुअल है, इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि एसओजी विंग ने भी जम्मू के अंदर मोर्चा जो है वह संभाल लिया है। और इस बख्तरबंद गाड़ी को आप देखेंगे कि जहां पर यह पूरी तरह से जम्मू की जनता को आगाह करती हुई नजर आ रही है और आपकी सुरक्षा के लिए यहां पर तैनात कर दी गई है। और आप जम्मू की जनता जो है जम्मू रियासी लोकसभा सीट को लेकर जो है वो जमकर वोटिंग करें। और आपको ये ज़रूर नज़र आएंगे कि हमारे एसओजी विंग के जो स्पेशल कमांडोज हैं वो यहाँ पर आप मोर्चा भी जम्मू के अंदर संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको ग्राउंड पर दिखाएंगे कि हमारे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो हो इस समय ये टीम है, ये आपको ज़रूर नज़र आ रही होगी कि किस तरह से जमकर जो है जम्मू की जनता को आगाह करने के लिए यहाँ पर संदेश जो है वो दिया जा रहा है। तस्वीरें जम्मू से हैं और जम्मू की बात करते हैं तो किस तरह से जमकर जो है यहाँ पर जो है जम्मू की जनता को जो है वो संदेश दिया जा रहा है फ्लैग मार्च के जरिए कि जम्मू की जनता जो है वो वोट कास्ट करे। और यह हमारे महिला विंग को भी आप देखेंगे, स्पेशल जो ट्रेनिंग ग्रुप है इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से आगाह किया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि 26 तारीख को जरूर वोट कास्ट करें। और आप देख सकते हैं कि हमारे स्पेशल ऑफिसर्स जो हैं वो इस वक्त आपको ज़रूर नज़र आएंगे। और ये तस्वीरें जो हैं जम्मू से हैं और जम्मू में और 26 तारीख के लिए जो है अब प्रशासन ने अपने हाथ में ये कमान ले ली है। और आप देखते हैं कि CRPF के हमारे जवान जो हैं वो यहाँ से फ्लैग मार्च करते हुए और इस फ्लैग मार्च में ये दिखाया जा रहा है और जम्मू की जनता को आगाह किया जा रहा है कि 26 तारीख को आप अपने घरों से निकलें और अपनी सरकार चुनें और सरकार को चुनकर जो है वोटिंग जो है वो ज़रूर करें। और ये खास है कि क्यों ना 26 तारीख को हम निकलें और 26 तारीख को जमकर वोटिंग करें और जमकर वोट कर जो है अपनी सरकार जो है वो आप चुन सकते हैं। तो ये एक संदेश जो है वो आज यहां से दिया जा रहा है। लोकतंत्र के इस पर्व में जो है हर एक व्यक्ति जो है वो जुट चुका है, व्यक्ति के साथ साथ प्रशासनिक भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पोलिंग बूथ तक, पोलिंग बूथ में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आज हम आपको जम्मू के गवर्नमेंट हाईसिंग हाई सेकेंडरी स्कूल में लेकर आए हैं। और यहां की व्यवस्थाओं को लेकर हम आपको यहां पर खासियत बताएंगे कि यहां पर महिलाओं के लिए और यंग यूथ के लिए अगर हम बात करते हैं, जिसमें जो अगर हम न्यूली गर्ल्स की बात करते हैं जो 18 साल के वोटर है उनके लिए खास पिंक पोलिंग बूथ की व्यवस्था भी यहां पर तैयार की गई है। और दिव्यांग लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर्स का भी यहां पर इंतजाम किया गया है। यहां पर 3 ऐसे स्टेशन जो हैं वो तैनात किए गए हैं जहां पर अपनी सरकार चुनने के लिए जो है लोगों को वोट करने के लिए 26 तारीख के लिए जो है यहां पर तैयार किया गया है। यह आपको जम्मू के गवर्नमेंट हाईसिंग हाई सेकेंडरी स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यह जम्मू ईस्ट है। जम्मू ईस्ट में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और पिंक पोलिंग बूथ की बात करते हैं तो खासा उसमें यह उत्साह है क्योंकि वहां को लेकर महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह होता है। युवतियों के लिए बात करें तो जिस तरह से दिव्यांग लोगों की मैंने बात की है तो दिव्यांग लोगों के लिए ये व्हील चेयर्स आप देख सकते हैं। और जो जिन लोगों को व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कहा था कि हम उनके लिए व्हील चेयर्स तक जो है वो तैनात करेंगे तो ये व्हील चेयर्स आप देख सकते हैं कि यहां पर उसके लिए व्यवस्था जो है वो पूरी कर ली गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू के गवर्नमेंट हरि सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां के लेकर प्रशासन ने वो पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। और जिस तरह से मैं आपको पिंक पोलिंग बूथ हो या फिर इसी के साथ साथ दिव्यांग लोगों के लिए जो है व्हील चेयर्स की बात हो तो ये वो ऐसे स्टेशन है जिनको तैनात किया गया है। मगर पिंक पोलिंग बूथ की बात कर रहा हूं जहां पर महिलाओं को आकर्षित करने के लिए चाहे वो पिंक ऑटो हो या फिर पिंक पोलिंग बूथ हो तो इसको लेकर प्रशासन ने ये पहली बार जिस तरह से एक आकर्षित करने के लिए है महिलाओं के लिए ये खासा तैयार किया है। ये स्टेशन आप देख रहे हैं, जम्मू ईस्ट की बात करता हूं तो जम्मू ईस्ट के ये गवर्नमेंट हरि सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल में तैयारियां जो हैं वो संपन्न हो चुकी हैं जिसको लेकर अब मतदाता जो हैं वो 26 तारीख को यहां पर आए वोट करें और जमकर जो है अपनी सरकार आने वाले 5 सालों के लिए जो है वो दृढ़ सरकार को चुन सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विन कुमार के साथ गुलिस्तान न्यूज से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।